is for education purpose and we do not recommend you to buy or sell any stocks. Before investing in our predictions, please take advice from your financial advisor. We are not responsible for any of your profit and losses. So, very good evening guys. Welcome back to our channel Finvest. उम्मीद है आप सभी के trading days अच्छे जा रहेंगे। अगर नहीं जा रहेंगे तो इस video का end तक ज़रूर देखिएगा। आपको काफी मदद मिलेगी अपने trading skills improve करने में। ट्वेंटी अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी वन के लिए कुछ स्टॉक्स के लेवल हमने आपके लिए सेलेक्ट किया है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ उसके बाद मैं रिव्यू कर लूंग जो आज के लिए हमने ट्रेडिंग के लिए आपके लिए स्टॉक्स दिए थे वैसे तो मार्केट आपको पता ही है बहुत ज्यादा ही नीचे गिर गया है आज डाउन ओपन भी हुआ है सारे स्टॉक्स लगभग लगभग सारे स्टॉक्स हुए नाइन्टी परसेंट स्टॉक्स कुछ परसेंट स्टॉक्स थे जो नहीं हुए और सेवेंटी परसेंट स्टॉक्स थे जो फ्लैट मार्केट पे वक किए थर्टी परसेंट स्टॉक्स थे जिन्होंने अपना गैप रिफिल करके अप गए तो सबके हम बात कर लेंगे सबसे पहले हमने आपके लिए जो स्टॉक्स रखे हैं देखिए इसमें एक रोल है बाइंग और शॉर्ट सेलिंग का रूल है वो चीज़ आप समझ लीजिएगा आपको एक्जैक्ट थाउजेंड एंड फाइव पे बाई नहीं करना है थाउजेंड एंड फाइव पॉइंट फाइव जीरो पर बाई करना है हर किसी के लिए ये रूल अपलीकेबल है एक्जैक्ट इस वैल्यू पे बाइंग प्राइस पे बाई नहीं करना है इसका जब लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तब आपको बाय करना है यानी कि थाउजेंड फाइव पॉइंट फाइव जीरो पे आप इसे बाय करके चलेंगे टारगेट रहेगा थाउजें एंड टेन थाउजेंड एंड ड्वेंटी और थाजंड डी का फर्स्ट टारगेट प्राइज स्मॉल इसलिए रहेगा क्योंकि देखिए आपका स्टॉक अगर गलती से किसी कारण मूवमेंट ना दे पाए तो भी आपको प्रॉफिट हो छोटा हो पर हो इसलिए पहला टारगेट प्राइस मैं स्मॉल रखता हूँ स्टॉपलॉस रहेगा आपका 995 का पहला टारगेट प्राइस पर आपको सीधा शिफ्ट करना है अपना स्टॉपलस जैसी पहला टारगेट प्राइजी हुआ है और इतना डिस्टेंस नहीं होता है बाइंग और शॉर्ट फर्स्ट टारगेट प्राइस पर कि वो फर्स्ट टारगेट प्राइस तक भी ना पहुंचे तो इसलिए पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल रखता हूं कुछ ना कुछ सेफ साइड के लिए कि कुछ प्रॉफिट आपको हो शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा 992 का यानी कि 991.50 नाइनटी वन पॉइंट पे आप शॉर्ट सेल करके चलेंगे टारगेट रहेगा 988 989 एट एटी का स्टॉप लॉस रहेगा आपका थाउजेंड का स्टॉप लॉस कैसे हिट होगा थाउजेंड पे ये चीज ध्यान रख लीजिएगा मैंने क्या बताया है पहला इन जब बाइंग और शॉर्ट सेलिंग लेवल पे इसका लेवल ब्रेकआउट होगा तभी आप बाय और शॉर्ट सेल करेंगे दूसरा स्टॉप लॉस के लिए भी लेवल ब्रेकआउट होगा और तीसरा स्टॉप लॉस को शिफ्ट करना फर्स्ट टारगेट प्राइस जैसे आपका फर्स्ट टारगेट प्राइस अचीव हो जाए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन जाएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का मॉर्निंग में दो कॉल में वहीं प्रोवाइड करता हूँ बाकी व्हाट्सएप पे भी मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ 400 हंड्रेड टंड्रेड की रेंज में जिनमें आपको मिनिमम 10 पॉइंट्स का गेन मिल जाता है और मैक्सिमम 25 प्लस पॉइंट का मिनिमम आपकी थाउजेंड रुपीज की डेली अर्निंग है और मैक्सिमम डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है बल्क में आपको शेयर्स बाय करने पड़ेंगे ये भी चीज भी कंपलसरी है क्योंकि देखिए अगर छोटे स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं और शेयर्स आप खाली टेन या टेन ट्वेंटी फिफ्टी हंड्रेड भी कर रहे हैं तो ये सिर्फ आप ब्रोकरेज निकाल रहे हैं अपना और कुछ नहीं ध्यान रखिएगा इस चीज को कल की वीडियो में अगर आप आई बटन पर क्लिक करके देखेंगे हमारी प्रीवियस वीडियो सबसे पहला स्टॉक हमने बीबीटीसी दिया था यह स्टॉक जो था गैप डाउन ओपन हुआ था गैप डाउन ओपन होने के बाद इसने हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं की कंडीशंस क्या होती है देखिए कंडीशंस होती है जैसे मान लीजिए ये हमारी बाइंग प्राइस है ये हमारी शॉर्ट सेलिंग प्राइस है अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है दोनों कंडीशन में सेम चीज ही अप्लाई होती है देखिए गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन होता है तो आप वेट करेंगे इलेवन एम तक उसके तक उसके गैप रिफिल होने का गैप रिफिल कैसे होगा बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पर भी वो एक मिनट का होल्ड लेगा होल्ड लेने के बाद जब दोबारा लेवल ब्रेकआउट करेगा तो आप उसे बाय या शॉर्ट सेल कर सकते हैं जो लेवल ब्रेकआउट करे बाय का लेवल ब्रेकआउट करे या बाय कीजिए शॉर्ट सेलिंग का लेवल ब्रेकआउट करे शॉर्ट सेल के लिए दूसरी कंडीशन ये होती है कि अगर स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है और बाइंग प्राइस पे ही होल्ड ले रहा है या फिर आपकी शॉर्ट सेलिंग प्राइस पे ही होल्ड ले रहा है तो इसको कम से कम दो मिनट का होल्ड चाहिए अब एक मिनट का होल्ड काम नहीं करेगा दो मिनट का होल्ड चाहिए दो मिनट के होल्ड के बाद जब आप इसे बाय या शॉर्ट सेल कर सकते हैं ये चीज़ क्लियर है ये इसमें यहाँ पे कहीं पे भी ना दो मिनट का होल्ड है ना ही एक मिनट का होल्ड है तो इस स्टॉक को हमने छोड़ दिया अगला था हमारा अडानी एंटरप्राइजेज ये स्टॉक भी जो था गैप डाउन ओपन होने के कारण इस स्टॉक में हमारी ट्रेड नहीं हो पाई अगला था हमारा विनाटी ऑर्गेनिक्स विनाटी ऑर्गेनिक्स में हमारा अच्छा रहा इसे हमें शॉर्ट सेल करके चलना था फिफ्टीन हंड्रेड यानी कि इस लेवल पे लेकिन ये जो था अप ट्रेंड में था पहला लेवल ब्रेकआउट आप छोड़ेंगे अप ट्रेंड में होंगे जब पहला लेवल ब्रेकआउट क्यों छोड़ना था इस चीज को भी मैं क्लियर करूंगा आगे वीडियो में बस ये चीज देखिएगा पहला लेवल ब्रेकआउट हमें छोड़ना पड़ता है जिसने हमारी बाई साइड की कॉल पकड़ी यहाँ पे और इसने हमारा जो था ये हमारा लास्ट टारगेट प्राइस भी अचीव कर देता बस कुछ पॉइंट से रह गया बट हमारा जो तीन दो सेकंड टारगेट प्राइस था वो इसने इजीली अचीव कर लिया था।, था बजाज इलेक्ट्रिक था बजाज इलेक्ट्रिक में हमें क्या हुआ बाई साइड की तीनों टारगेट प्राइस अचीव हुए शॉर्ट सेलिंग साइड में हमारे जो थे दो टारगेट प्राइस दो बार अचीव हुए आप चेक कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे आपको हमारा लेवल मिल जाएगा तो इसमें हमें ट्वेंटी पॉइंट्स तक का गेन इसमें भी हो गया था अब मैं बात कर लेता हूँ फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की रेंज में देखिए वैसे अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती है कि स्टॉक जो है अच्छा ना चले क्योंकि जो है कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ट्रेडर्स का तो उसमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करते तभी तक ज़्यादातर जो स्टॉक होते हैं अगर गैप डाउन ओपन हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा तो वो क्या करते हैं लूज कर देते हैं कॉन्फिडेंस और वो फ्लैट मार्केट पर वर्क करते हैं टाटा केमिकल्स में हमारा गैप रिफिल नहीं हुआ इसमें हम ट्रेड नहीं कर पाए डी सी में हमारा गैप रिफिल हुआ बट हमारी जो टाइम थे टेन का टाइम होता है एट हंड्रेड से नीचे के स्टॉक में गैप रिफिल होने का तभी ये बड़ा तो इसने अच्छा खासा आपको रिटर्न देकर चले गया बट ये हमारे किसी काम का नहीं गया क्योंकि रूल्स आर रूल देखिए कभी कभार ऐसा होता है रूल्स के अपोजिट जाके स्टॉक जो है अच्छा मूवमेंट दे दे बट हर बार नहीं होगा कुछ ही परसेंट चांसेस होते हैं हैप्पियस्ट माइंड की मैं बात करूं हैप्पीएस्ट माइंड में हमारा जो थाट सेलिंग साइट का एक ही टारगेट प्राइस अचीव हुआ अब छोटे टारगेट प्राइस की आपको यहां पे वैल्यू पता चलेगी जब आपका हैप्पीएस्ट माइंड में दो बार एक ही टारगेट प्राइस अचीव हुआ और स्टॉप लॉस शिफ्ट करने की अडानी पोर्ट्स में हमारा जो था गैप डाउन ओपन हुआ था पहली तो ट्रेड नहीं लगी दूसरी बार जो मैंने लेवल्स जो अपलोड किए थे उसमें हमारा बाई साइड कैसे लिट हो गया था शॉर्ट सेलिंग साइड का एक टारगेट प्राइस अचीव हुआ तो इसमें अभी रिजल्ट हमारा अच्छा नहीं रहा अवंती फिट की मैं बात करूँ इसमें हमारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने खुद से एक कॉल ली थी जिसमें उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ स्टॉक हमारा था बट जो लेवल्स है वो उनके थे और उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें कराया है करीबन ट्वेंटी त्वन फाइव हंड्रेड का प्रॉफिट उन्होंने कमाया है तो यही होता है स्टॉक अगर अच्छा हो तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा ही लेते हैं तो इसमें हमारा जो था वैसे तो हमारी ट्रेड नहीं हुई पर हमारे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया तो ऐसा कुछ रहा हमारा आज का जो रिजल्ट प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं हमारे लेवल्स जो काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं बट आज जो मार्केट डाउन था इसलिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए बट चलिए आगे बढ़ते हैं जो बाय का लेवल लेवल रहेगा थर्टीन हंड्रेड फोर्टी टू का टारगेट रहेगा थर्टीन हंड्रेड फर्टी एट थर्टीन हंड्रेड सिक्सटी थर्टीन हंड्रेड सेवेंटी और स्टॉप लॉस रहेगा थर्टीन हंड्रेड थर्टी का एक चीज मैं बता दूँ अगर स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है और डाउन ट्रेंड में तो पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ेंगे आप बाई साइड का जैसा कि आपने वहां पर देखा था विनाटी ऑर्गेनिक्स में मैंने कहा था ये लेवल पहला लेवल ब्रेकआउट छोड़ना था शॉर्ट सेलिंग साइड का वो था जब गैप डाउन ओपन हो और अप ट्रेंड में हो तो पहले ब्रेकआउट छोड़ना पड़ता है हमें शॉर्ट सेलिंग साइड का वहां इसलिए हम बचे बाई साइड में हम प्रॉफिट इसलिए कमा पाए क्योंकि हमें शॉर्ट सेलिंग में लॉस नहीं हुआ और लॉस कैसे नहीं हुआ जब हमने लेवल ब्रेकआउट छोड़ा शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा जीरो का टारगेट रहेगा थर्टीन हंड्रेड ट्वेंटी टू थर्टी हंड्रेड ट्वेल्व थर्टीन हंड का लास्ट टारगेट वाइज रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा थर्टीन हंड्रेड फोर्टी थर्टीन हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फाइव जीरो पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है चीज़ आपको क्लियर है बाकी जितनी बार लेवल ब्रेकआउट हो उतनी बार आप बायस शॉर्ट सेल कर सकते हैं और एक और चीज नाइन फिफ्टीन से आपको ट्रेड शुरू नहीं करनी है नाइन सिक्सटीन से शुरू करनी है एक मिनट छोड़ना है नाइन सिक्सटीन या नाइन सेवनटीन से आप ट्रेड शुरू कीजिएगा बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तब तक के लिए धन्यवाद मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ